अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो अभी का सीन कुछ इस तरह के अहमद का आज पेपर है और वो भी बोर्ड का सेकंड पेपर है आज। तो कितने बजे स्टार्ट होना है आपका? डेढ़ बजे। तो डेढ़ बजे अभी मैं जा रहा हूँ, फहद जा रहा है और बकाया अहमद साहब चला जाएगा। तो कैसी तैयारी है आपकी, ठीक है या फिर बस नॉर्मल ही है? अच्छे आ रहे हैं पेपर, ईजी आ रहे हैं या फिर कोई मुश्किल? ये सिर्फ बातें होती हैं, मुझे याद पड़ता है फर्स्ट ईयर मेरा भी सेकंड टाइम ही आया था, वरना 9, 10 और सेकंड ईयर मेरा फर्स्ट आया था। तो जब बातें ही थी जो सीनियर थे वो हमें बातें सुनाते थे कि नहीं जो था सेकंड टाइम मुश्किल पेपर आता है लेकिन इजी होता है, टेंशन नहीं है आपने लेनी है। तो कहा जरा तैयारी तुरी फुल करके जानी है आपने, सही है? टाइम इसका हो गया तो अब इसको लेके चलते हैं साथ। तो कहा आपके घर बंदे से मिलवाती हैं, क्या नाम है भैया आपका? अयान। ये हमारा फैन है, ये बड़ी दूर से मिलने आए। कहाँ से आए हो आप? चुविंडे से। तो मिल लिया ना भाई से फिर? ऑटोग्राफ आपको दूंगा अभी मैं। ये मजाक था, ये मेरी खाला का बेटा है, ये इधर ईद की छुट्टियां मनाने इधर आया हुआ है। मैं कहा अभी चलते हैं अहमद को लेके। अभी हम लोग अहमद को लेने आए हैं इधर, फहद जाएगा अहमद जाएगा। मैंने पहले भी आपको कहा था मैं जाऊंगा और अहमद चला जाएगा, वो इसलिए कि इसके पेपर को। अहमद कितनी देर में आपका पेपर खत्म होगा भला? दो ढाई घंटे में ना? तो दो ढाई घंटे उधर बैठ के फिर आपको पता ही है मतलब थोड़े लड़के होंगे तो बातचीत करके टाइम गुजर ही जाएगा, तो इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ साथ। अभी हमारा प्लान बन रहा है इस साइड से जाने का, थोड़ी सी आगे ये मतलब रास्ता, लेकिन ये थोड़ा रास्ता ना खतरनाक है, लेकिन हम यहाँ से ही जाएंगे। तो कहे कि इस साइड को भी जाता है लेकिन वो दूर पड़ता है, तो अभी इनको मैं कहता हूँ इधर से ही चले, इधर से ही जाना है। चलो इधर से ही चलते हैं। A few moments later. अभी अहमद के हम लोग सेंटर आ गए जिधर इसका पेपर होना है। बकाया अभी इसको 25 मिनट अभी पड़े हुए हैं, तो इसको हमने बोला है इधर थोड़ी देर आप यहीं खड़े रहो, जब 5 से 10 मिनट रह जाएंगे पेपर शुरू होने में तब आपको ले आएंगे। इस तरह ये होता है कि यार उधर उन्होंने जलील करना धूप में इसको, उधर उन लोगों ने 10 मिनट खड़ा करना इसको, मतलब अपनी फ्यूचर की उन लोगों ने प्लानिंग स्पीच वगैरह बतानी करनी है कि क्या क्या करना है, तो इसलिए इसको कह रहे हैं 5 मिनट इधर खड़ा रहे, उसके बाद जब सीट लगेगी वक्त। कल भी उन्होंने बताया था ना आपको रोल नंबर वाइज, तो पता उनको लग गया। यार आपने कल ली थी ना, कल आपने जो आपने कल पूछा जो उन्होंने आपको कल बताया था ना सेम टू सेम उन्होंने वही आपको आज बताना है। तो जरा जाना कि नहीं जाना आप ये बताओ। चलो जो छोरा जो आके, अब इसकी मर्जी है उसको छोराती है, वरना हम लोग तो उसको कह रहे थे कि थोड़ा वेट कर ले, तो क्योंकि उन्होंने जलील करना धूप में भी अपने खड़े होना है, क्योंकि अभी धूप भी आप चेक करें सही गर्मी है। हमारे जवान जो है अहमद को छोरा है अंदर और हम लोग अभी इधर वेट कर रहे हैं, वेट क्या कर रहे हैं 2 घंटे अभी बैठना है, लेकिन 2 घंटे यहाँ नहीं बैठेंगे, कुछ देख लेंगे कोई एक्टिविटी कर लेंगे। बकाया आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ये हिंदुओं का जो है वो टेम्पल है, ये आई थिंक जब पाकिस्तान बनने से ना पहले का बना हुआ था, लेकिन जब पहले का लेकिन अब ये इधर कोई है नहीं, तो पाकिस्तानियों ने आप कह लें जो हमारी इधर वाम है उसने इधर अब हवेली एक बना लिया, जानवर वगैरह बंधे हुए हैं, तो और इधर कोई हिंदू वगैरह है नहीं ना, तो जिसकी वजह से इधर इसका कोई काम ही नहीं है, इसकी हवेली बना लिया। अभी जिस सेंटर में इसका पेपर आया अहमद का ना, उधर मेरा भी आया था 9 और 10 आई थिंक मैंने इधर दिए थे, 9, 10 मैंने इधर पेपर दिए थे, बकाया अहमद ने भी इधर दिए थे और फहद ने भी इधर दिए थे। और इस जो है ना आप कह लें कि सेंटर में हमारी बड़ी आती है, इधर हम लोग क्रिकेट भी खेलने आते हैं, आप कह लें हमारा होम ग्राउंड जो है वो इधर भी है, मैंने व्लॉग भी बड़े अपलोड किए हैं। अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता वैसे अंदर से, लेकिन वो जो आगे ग्राउंड है ना उधर हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो व्लॉग भी मैंने 3-4 अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी मेरे चैनल में जाके देखें आपको मिल जाएंगे। 20 minutes later. अभी हमारे फहद भाई को लगी थी भूख, घर से खाना खा के भी आए थे लेकिन फिर भी यहाँ से ना खाना खा रहे हैं, और हम लोग ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आए थे मैं और अहमद, अभी ये खाएंगे या पीर वगैरह साथ लेज है हमारे पास, लेकिन ये बंदा जो ये खाता ही रहता है बस, घर से अब खाना नहीं खा के आए भाई। तुम्हारी वजह से नहीं खाया? क्यों, मैंने क्या किया? और लेने जाना, किसको लेने जाना था? ये देखिए उसके बाद फिर हमारे भाई का पेपर भी हो जाएगा, उसको लेने चले जाएंगे।
A few moments later. अभी फाद भी इधर खाना शाना खा रहे थे, आपको पता है। दूसरा इन भाई की शॉप, और भाई क्या हाल है, ठीक ठाक हो? शर्म आ रही है, चलो कोई नहीं, हमें भी शर्म आती थी पहले पहले जब डॉक्टर थे, लेकिन अब ठीक हो गई है। तो भाई ये भी वो स्ट्रिंग की बोतल पी रहे, उन्होंने सुलह भी नहीं मारी है यार किसी को, लाओ। नहीं नहीं हमारी अपनी है यार, थैंक यू सो मच यार आपने मुझे पूछा, बकाया आप, चलो कोई नहीं, पैसे ना हमसे आप लेना नहीं पैसे हम लोगों को जरूर देंगे, लेकिन ये मजाक था। तो अब थैंक यू यार हमको पक्खे में बैठाने के लिए, वरना हमने जलील हो जाना था 2 घंटे। भाई हम लोग ना पेपर दिलवाने आए हुए हैं जिसकी वजह से, तो इधर बैठ सकते हैं हम लोग अभी 1.5 घंटा। भाई अब तुम लोग इधर ही बैठेंगे, पहले मेरा प्लान था जाने का, अब इधर ही बैठना हमने। ओके थैंक यू भाई। ग्राउंड की मैं बात कर रहा था आपको, इधर हम क्रिकेट खेलने आते थे, और ये जो आपको कमरे नजर आ रहे हैं ना, इधर पेपर हो रहा है बच्चों का। क्या कह रहे हो आप, कुछ तो बोला था यार, बोल दो यार, ब्लॉग समझ के आपने बोला ही नहीं है कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। अभी भाई साहब प्यास बड़ी लग रही थी, मुझे कोल्ड ड्रिंक पी गया था, उसकी वजह से भी, और गर्मी बड़ी ज्यादा है उसकी वजह से भी, इधर हमें मिल गई थी मोटर, कितने फ्रेश पानी हम लोग यहाँ से पिया है, अब थोड़ा बहुत सुकून आया, तो उधर चलते हैं कुछ शाम जगह, उधर भी आके बैठते हैं। फाइनली अहमद का पेपर हो गया। अभी अहमद कैसा हुआ पेपर? तो सब आता था पेपर, सारा पेपर किया या फिर कुछ और भी है? ये क्वेश्चन पेपर मतलब अच्छे नंबर आई जाएंगे, तो आप ऐसे डर रहे थे कि सेकंड टाइम ये है वो है, पेपर तो फाइव वाला ही आया था ना, मैंने पढ़ा नहीं था, मैं क्या दूसरा आया, पर फिर भी मैं लिखा आया, मुझे आता था। ठीक हो गया ना वैसे पेपर? चलो ठीक हो गया पेपर, कह रहा ठीक हो गया, तो अब इसको लेके चलते हैं। आपका हम लोगों ने वेट करते रहे, हम लोग यहाँ से कहीं भी नहीं गए, यकीन मानो मेरी बात का, कहीं भी नहीं गया, बस हमने कहा कि हमारा भाई पेपर देने गया। अच्छा पेपर सही आता था ना? सही हो गया। लास्ट पेपर भी इसने ना बोला था कि जो मेरे पीछे ही आगे बैठे होते हैं उनको पेपर आता नहीं है। मैं उसको आता था अगले वाले को। अच्छा नहीं आता, नहीं 3 hours later। अच्छा तो क्या कह रहे थे भी आप? फात भाई यार ये पट्टे जो होते हैं ना, तल्ले के बगैर नहीं बांधते है इनके ना, कुत्ते को पहले ना हमारे जो बच्चे नहीं है छोटे अहमद उमर लोग, वो लोग इसको बांधते नहीं थे तो खोल देते थे, लेकिन इसको ना पट्टा बांधने का बहुत बड़ा फायदा ये है कि जो कुत्ता होता है ना वो ना इसकी तरह का नहीं बन सकता। अब ये हमारे कुत्ता जो है ये वाला, ये भाई साईं लोग का हमारा कुत्ता, ना कोई पता है कोई आया कोई नहीं आया हुआ पता, कि ये जो हमारे यान भाई है ये इधर के नहीं है चुंडे के, लेकिन आज देखने मेरे साथ बैठा हुआ है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमारे बड़े कुत्ते को। तो भाई ये जो पट्टा हमने बांधा ना ये बड़ा आप कह लो मेहनत से बांधा गया है, बकाया बड़ा हुआ है आपके ख्याल में? बड़ा हो गया, बड़ा क्यों ना हो, बड़े इन्वेंशन हम लोगों ने किए हैं इसके ऊपर, कभी इसको बिस्किट खिलाते हैं, कभी हम लोग इसको ब्रेड खिलाते हैं, कभी इसको हम लोग चावल खिलाते हैं, तो अभी बड़ा हो गया। नहीं दूध क्यों झूठ बोले यार, सिर्फ 3 से 4 दिन हमने इसको दूध पिलाया था शुरू के। ये देखे जी मुर्गी की और कुत्ते की लड़ाई हो रही थी, ये जो बच्चे नहीं आपको नजर आ रहे छोटे छोटे अंडे से जो निकले ये इसके हैं। बाकी ये था हमारा आज का व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा लाइक करना है सब्सक्राइब करना है, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।